हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैस्मिक इंग्लिश एकेडमी। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कैन, मे एंड माइट के उपयोग के विषय में। सो वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सो विदाउट अ फर्दर अडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम मॉडल वर्ब की इंट्रोडक्शन के विषय में बात करेंगे। आज के लेसन में हम परमिशन के ऊपर कैन, मे और माइट के यूजेस को देख लेंगे। जैसे कि मॉडल वर्ब आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। जैसे कि हमें पिछले वाले वीडियो में हम ये चीज़ को पढ़ चुके हैं कि मॉडल वर्ब जो है परमिशन, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन इन दिस लेसन वी विल फोकस ऑन द मॉडल वर्ब कैन, मे, माइट विच आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। ये तीनों मॉडल वर्ब्स परमिशन लेने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, इन्हीं यूजेस के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। यूजेस ऑफ कैन मॉडल वर्ब। कैन इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन इन इनफॉर्मल सिचुएशन। कैन मॉडल वर्ब से जब भी हम परमिशन लेंगे इनफॉर्मल सिचुएशन में ही लेंगे, हम फॉर्मली कैन को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड हो गया, और कोई भी एक ऐसे इनफॉर्मल सिचुएशन हो, यहाँ पर हम कैन से परमिशन ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, कैन आई गो टू पार्टी टू नाइट, ठीक है, क्या मैं आज रात पार्टी में जा सकता हूँ, ठीक है, कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारा बुक ले सकता हूँ। इस तरीके से इनफॉर्मल सिचुएशन में परमिशन लेने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। सो अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ मे मॉडल वर्ब। मे इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन इन फॉर्मल सिचुएशन। जब भी हम मे मॉडल वर्ब से किसी से परमिशन लेंगे, ये फॉर्मल सिचुएशन में ही लेंगे। जैसे हो गया ऑफिस पे, हो गया स्कूल्स पे, हो गया कहीं पर भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो जो ऑफिशियली बनाया गया हो, इस तरीके के सिचुएशन में हम मे मॉडल वर्ब से किसी से परमिशन लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मे आई अटेंड द मीटिंग, क्या मैं मीटिंग को अटेंड कर सकता हूँ, ठीक है, मे आई यूज़ योर कंप्यूटर, क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज़ कर सकता हूँ। तो जब भी हम मे से परमिशन लेंगे तो ये पोलाइट माना जाता है। सो अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ माइट। ठीक है, माइट इज़ यूज टू आस्क फॉर परमिशन इन सिचुएशन वेयर द स्पीकर इज अनश्योर इफ इट्स अलाउड। सो माइट से हम तब परमिशन लेंगे जब हमें आंसर में कोई भी चीज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज़ के बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, परमिशन हमें ग्रांट होगा या नहीं होगा। जब ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ पे हम माइट का यूज़ करके परमिशन मांग सकते हैं। जैसे कि माइट आई बी एक्सक्यूज, क्या मुझे क्षमा किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस तरीके से परमिशन लूँगा तो मुझे पता नहीं है कि मेरी जो एक्सक्यूज़ जो है, जो मुझे एक्सक्यूज़ किया जाएगा या नहीं जाएगा, तो तब हम माइट का यूज़ करके हम इस तरीके से परमिशन लेंगे। माइट आई यूज़ योर फ़ोन, अब मुझे पता नहीं है जिसे मैंने परमिशन मांगा, ठीक है, वो मुझे फ़ोन चलाने देगा या नहीं देगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम माइट से परमिशन लेंगे। इन कंक्लूजन, कैन, मे एंड माइट आर मॉडल वर्ब यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। कैन, मे एंड माइट तीनों ही मॉडल वर्ब है जिसे हम परमिशन ले सकते हैं। कैन इज़ यूज इन इनफॉर्मल सिचुएशंस। कैन जो है इनफॉर्मल सिचुएशन में हम परमिशन ले सकते हैं। मे इज़ यूज इन फॉर्मल सिचुएशन, फॉर्मल सिचुएशन में हम मे से परमिशन लेते हैं। एंड माइट इज़ यूज इन सिचुएशन वेयर द स्पीकर इज़ अनश्योर इफ़ इट्स अलाउड। माइट का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हमें जिसे हम परमिशन लेंगे उसका आंसर के विषय में हम श्योर नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मैं फ़ोन चलाने के लिए पूछूं, वो मुझे फ़ोन चलाने देगा या नहीं देगा, ऐसे सिचुएशन में हम माइट की प्रयोग से परमिशन लेते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं।